किसी को अपने परिवार के सदस्यों के बीच आकर लगता है, उतना ही अच्छा मुझे भी आपके बीच आकर के लग रहा है। इस चुनाव में मुझे जहां भी जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है और डबल इंजन सरकार के लिए आपका समर्थन देखकर मेरी खुशी भी डबल हो गई है। आज पूरा त्रिपुरा एक साथ कह रहा है, चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार। साथियों, त्रिपुरा के युवाओं ने, माताओं बहनों ने चंदा और झंडा की कंपनी वालों को फिर से रेड कार्ड दिखा दिया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं इस वक्त धमाकेदार 50। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने 14वें एयरो इंडिया शो का शुभारंभ किया। शो में तेजस समेत कई जेट विमानों ने उड़ान भरी। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। एयरो इंडिया शो में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा एयर शो में मित्र देशों से भागीदारी बढ़ी। बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी, एयरफोर्स स्टेशन में लगाई गई प्रदर्शनी। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी करेंगे रैली, आज दोपहर 3 बजे अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे।